बोलबाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए हमारे देश में अभी सूर्य ग्रहण पड़ के चुका है और उसके बाद अब 8 तारीख को फिर से चंद्र ग्रहण हो रहा है, यानी एक पक्ष में दो ग्रहण हो रहे हैं। और एक पक्ष में जब दो ग्रहण होते हैं तो शुभ नहीं होते, ऐसा ज्योतिष का मत है। ग्रहण क्यों पड़ता है, ग्रहण का अर्थ क्या होता है? वैज्ञानिक तरीके से तो पृथ्वी की और उसके बीच में, ग्रहों के बीच में जब सूर्य और चंद्रमा आ जाते हैं तो ग्रहण पड़ता है, लेकिन हमारे ज्योतिष के अनुसार ग्रहण जब पड़ता है जब राहु और केतु सूर्य चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। तो कैसे ग्रसित करते हैं? जिस समय पर भगवान विष्णु ने देवता और राक्षसों की मित्रता करा करके समुद्र मंथन कराया था, समुद्र मंथन कराया तो उसमें 14 रत्न निकले, उनमें से एक अमृत कलश भी निकला। और अमृत कलश निकला तो उस अमृत कलश के ऊपर झगड़ा होने लगा कि भाई इसे हम ग्रहण करेंगे। देवता बोले हम ग्रहण करेंगे, राक्षस बोले हम ग्रहण करेंगे, लेकिन भगवान ने एक माया करी और अपना मोहिनी रूप धारण करके देवता और राक्षसों का झगड़ा सुलझवाया और दोनों से कहा आप अलग अलग लाइन लगा कर बैठ जाओ। और मैं, आप इतने सुंदर थे भगवान, सुंदर तो हैं लेकिन और सुंदरी रूप धारण करने से और सुंदर हो गए। और उसके बाद में उन्होंने दो लाइन लगवा करके, एक राक्षसों की एक देवताओं की। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि देवताओं के लिए अमृत पान कराया और राक्षसों के लिए मदरा पान कराया। ये उनकी माया को कोई जान नहीं पाया। एक राहु नाम का राक्षस जो था उसे पता लग गया कि हमें अमृत नहीं मिलने वाला, तो वो उसने क्या किया, चुपचाप उठ करके अपनी लाइन में से सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। बैठ करके भगवान जब अमृत लेकर के सबको दे रहे थे तो राहु ने भी अपना हाथ बढ़ा करके अमृत ले लिया और जैसे ही मुख के पास ले जा करके पान करना चाहा, मुख में गया, उसी समय सूर्य चंद्रमा ने दोनों ने और भगवान के लिए इशारा कर दिया कि प्रभु ये तो राक्षस है, अमृत पान कर लेगा तो ये तो अमर हो जाएगा। भगवान ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का हिस्सा केतु के रूप में प्रचलित हो गया। ये दोनों सूर्य और चंद्रमा से दुश्मनी रखते हैं हमेशा। जब ग्रहण पड़ता है सूर्य ग्रहण तो वो दिन में पड़ता है, अमावस्या को पड़ता है, और चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो रात्रि को पड़ता है और चंद्रमा पर पड़ता है। इसलिए सूर्य और चंद्र ग्रहण जब पड़ते हैं तो ये संसार के लिए शुभ नहीं होते, ऐसा कहते हैं शास्त्र। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जो 8 तारीख को पड़ने वाला है, इसका 3:29 से रात्रि को पड़ेगा और उसके बाद करीब करीब 6 बजे तक ग्रहण का ये असर रहेगा। और उसके बाद में नहाना धोना और जितने भी अपने खाद्य वस्तु हैं उनमें तुलसी के पत्ते या कुसा उसमें रख देंगे तो अपवित्र नहीं होंगे। खाने योग्य वस्तुओं में ये सारी चीज़ें रखना अनिवार्य है। अब इसका फल कहते हैं, ज्योतिष के अनुसार जब ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण में कई कई उपद्रव होते हैं, कहीं चोर भय होता है, कहीं मार काट होती है, कहीं देशों में भयंकर युद्ध होते हैं, कहीं आपात स्थितियां खड़ी होती हैं, प्रलयकारी जल आता है, कहीं प्रलयकारी जल बरसता है और आपस में विद्वेष की भावना लोगों में ज़्यादा बढ़ती है। लोग जो है ना शुभ कर्मों को छोड़ करके अशुभ कर्मों में ज़्यादा चले जाते हैं। इस प्रकार से ग्रहण का फल जो है ना, इन ग्रहणों का अशुभ फल है। कहते हैं नक्षत्र में जन्म, ये परणेश भरणी नक्षत्र में है और इसका जो है ग्रहण हो रहा है, तो इस कारण से कहते हैं कि इसमें मांस भक्षी लोग, अनैतिक कर्म करने वाले लोगों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है इस बीच में, इन सालों में। और उसके बाद में ज्योतिष में लिखा है कि एक पाक दो गहना और राजा मरे कि सेना, यानी एक पक्ष में दो ग्रहण अगर पड़ते हैं तो या राजा यानी किसी भी देश का राजा हो सकता है, क्योंकि ये कई देशों में होकर के आ रहा है। खग्रास चंद्र ग्रहण है अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, प्रशांत महासागर, इन सब जगहों पर ये दिखाई देगा। कहीं पर भी कोई भी बड़ा नेता या राजा या मंत्री वो मारा जा सकता है, कई सेनाओं में युद्ध हो सकता है, बहुत सारी सेनाएं मारी जा सकती हैं। इसका असर देखने के लिए करीब 1.5 से 2 साल तक रहता है। एक ग्रहण का असर 1.5 से 2 साल तक रहता है, क्योंकि जब जब ग्रहण पड़ते हैं उस समय पर अनैतिकता बढ़ती ही दिखाई देती है, कभी कम नहीं होती है। इसलिए इन ग्रहणों का फल जो है ना, थोड़ा सा राशि के अनुसार मैं बता देता हूँ।
जो मेष राशि है उनके लिए शारीरिक कष्ट होगा और थोड़े धन धान्य की कमी आएगी। उसके बाद में वृष राशि वालों के लिए ये शनि परेशान करता रहेगा इनके लिए। मिथुन राशि पर यह ग्रहण शुभ फलदायक है और उसके बाद में कर्क राशि वालों के लिए रोग का कष्ट, रोग का भय, लोगों से परेशानी, शारीरिक परेशानी बनी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए शत्रु दुर्बलता शत्रु परेशान करेंगे, मन में शरीर में दुर्बलता आएगी, धन की कमी दिखाई देगी, खर्च अधिक होगा। और तुला राशि वाले उनके लिए स्त्री पति और संबंधी उन्हें कष्ट देंगे। और उसके बाद में वृश्चिक राशि वालों के लिए रोग और उसके बाद में गुप्त चिंता उनके लिए सताती रहेगी, कार्यों में विलम्ब होते रहेंगे। धनु राशि वालों के लिए खर्च अधिक होगा और उसके बाद में दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी, उसके हिसाब से धन की प्राप्ति नहीं होगी। मकर राशि वाले के कार्य सिद्ध होंगे, धन लाभ अवश्य होगा। कुंभ राशि वालों के लिए प्रगति, उत्साह एवं पुण्य कर्म उनके लिए फलदायी होंगे। मीन राशि वाले आते हैं, उनके लिए धन की हानि, खर्च ज़्यादा और लोगों से भय ज़्यादा रहेगा। संसार के लोग उनको जहाँ कहीं भी जाएंगे उसी समय पर उनको परेशान करते रहेंगे। इस प्रकार से 12 राशियों के लिए ये फल दिया गया है ज्योतिष के अनुसार, और उसी प्रकार से प्राणी को समझना चाहिए। और एक चीज़ और है कि जब ग्रहण होता है उसके बाद में ग्रहण की शांति के लिए जीवों को कुछ न कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जब बीमारी होती है तो उसकी दवाई भी होती है, और जब आदमी बीमारी में दवाई लेता है तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। इसलिए जब ग्रहण का समय समाप्त हो जाए उसके बाद में अपने आप को शुद्ध करना, वस्त्रों को शुद्ध करना, नहाना धोना, और जो अपने उतरे हुए वस्त्र हैं उनको किसी नीच के लिए दान कर देना। दान करने में क्या क्या सामान होना चाहिए, उड़द होने चाहिए, चना होनी चाहिए, कांगनी होनी चाहिए, सप्त धान्य होना चाहिए और थोड़ा नमक और तेल जरूर होना चाहिए। इस प्रकार का दान जो है, एक झाड़ू भी दान कर सकते हैं आप। इस तरह से ग्रहण के बाद में प्राणी के लिए दान भी अवश्य करना चाहिए। नीच लोगों के लिए, जिनके पास धन नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ऐसे लोगों के लिए दान करना चाहिए। इस प्रकार से ग्रहण जो है ना, कभी भी जीव के लिए सुखदायी नहीं माना जाता। ग्रहण पड़े तो उस समय में प्राणी के लिए केवल भजन करना चाहिए, इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। स्त्रियों को, जो स्त्री गर्भवती हैं और जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उनके लिए छूट होती है शास्त्र की तरफ से, भाई वो खाना पीना कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण के समय में और सूतक के बाद में प्राणी के लिए खाना पीना, ये सोना, इस प्रकार के अनर्गल वार्तालाप नहीं करना चाहिए, आपस में गाली गलौज नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव स्वयं के जीवन में होता है, क्योंकि ये विपरीत कार्य ज़्यादा करते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति के राहु केतु हैं दोनों, छाया ग्रह होने के बाद भी ये प्राणी को कष्ट देते रहते हैं। इसलिए प्राणी को थोड़ी समझ बूझ रख करके दान पुण्य की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्राणी के लिए दान क्यों करवाया जाता है, दान करने का अर्थ क्या है। दान जो है ना, वो एक बैंक का बैलेंस है, जिसके बैंक में दान किया वो धन जमा होता है, उस जीव के लिए धन बराबर मिलता रहता है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, लेकिन जिसने बैंक में जमा कर रखा है धन, दान करके जो भी दान चीज वस्तु करता है प्राणी, वो उसको इस मनुष्य योनि में आकर के प्राप्त होती है। मनुष्य योनि में भगवान इसलिए भेज देते हैं कि भाई मनुष्य बन के दिखाओ। प्राणी जीवन में मनुष्य बनकर तो दिखाता नहीं है, अनेक प्रकार की दुनिया भर की संसार की जो वार्ताएं हैं उनमें लगा रहता है, पूरा जीवन निकाल देता है, लेकिन प्रभु को वो मनुष्य बनकर के नहीं दिखाता। अगर मनुष्यत्व बनना है तो प्राणी के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विधि, चार प्रकार का प्रसाद प्राप्ति करने के लिए प्राणी के लिए भगवत शरण में जाना पड़ेगा। और देखो, कलयुग में तो ऐसा लिखा है भागवत जी में कि चार चरण धर्म के बताए हैं, चार चरणों में से केवल एक धर्म का ही पैर बचा है। कौन सा बचा है? वो दान का है। शास्त्र कहता है दान अवश्य प्राणी के लिए, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे उसे एक रुपया करे, दो रुपया करे, दान जरूर करना चाहिए। उसे क्या होता है कि ये दान करने से उसका फल उसके लिए अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान दिए हुए देने वाले को कभी अपने पास नहीं रखते, उसको वापस कर देते हजारों गुना करके। इसलिए कहते हैं दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर पंछी के जल पिवत ही, घटे न सरिता नीर, चिड़ी चंच भर ले गई
नदी न घटयो नीर परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। जितने वेद सा कई बार लोग हमसे बात करते हैं, बोले दान करने का क्या मतलब है, क्यों दान करें जी? अरे पैसा हमारा है, हमने कमाया, तुमने नहीं कमाया। तुम्हारे बैंक में तुम्हारे जैसे अनेक लोग, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनमें शकल नहीं, जिनकी अकल नहीं, और ठाकुर जी ने धनी धन दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि उनके बैंक में है, उनको मिल रहा है। और ऐसे ऐसे लोग दिखा दूँ मैं हैं कि जो बेचारे ज्ञानी हैं, धार्मिक हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बेचारे सड़क पर फुटपाथ पर ही घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बैंक में जमा नहीं है। इसलिए कहते हैं प्राणी को ये सारे कार्य करते करते ये काम भी जरूर करना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोल गिरिराज महाराज की जय।